आज हम सोच ही रहे थे कि आज हम सब्जी में क्या बनाएं, क्योंकि आलू उलू था नहीं, मात्र हमारे पास दो आलू थे। दोनों आलू का छिलका उतार करके हम रख लिए थे। अब सोचे कि अगर सब्जी बनाते हैं तो काफी समय हो जाएगा, काफी गर्मी भी है, तो क्यों ना आलू से कुछ नाश्ता बनाया जाए। दो आलू है, इनसे काफी नाश्ता हमारे बच्चे के लिए हो जाएंगे और हस्बैंड जी भी खा लेंगे, कुछ हम भी खा लेंगे। दो आलू का छिलका उतारा हुआ है, यहाँ पे आलू को हम क्या करेंगे कि ग्रेट करेंगे। ग्रेट कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम पानी में आलू को छिलका उतार करके डालते हैं। जब भी हम सब्जी काटते हैं ना, तो आलू, अगर आलू के जहां तक बात आती है, तो आलू को हम पानी में ही डाल के रखते हैं, ताकि आलू हमारा काला ना पड़े और अच्छे से देखने में खूबसूरत भी लगे। अब हम क्या करेंगे, एक पतले वाली होल से हम अदरक जो ग्रेट करते हैं ना, उन्हीं से आलू को हम ग्रेट करेंगे। अगर आपके घर में पतली वाली नहीं है, मतलब ग्रेटर, कोई बात नहीं, जो भी ग्रेटर हो उसी से आप ग्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि रेसिपी आज का काफी मजेदार होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यही रेसिपी आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे प्लीज प्लीज आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, शेयर करें, लाइक करें। चलिए यहाँ पे आलू को हम ग्रेट करते हैं। तो देखिए, आलू को हमको इतना पतला लच्छा चाहिए। अगर नहीं है आपके पास ग्रेटर तो कोई बात नहीं, आप मोटे वाले से ही ग्रेट कर लीजिएगा, लेकिन ग्रेट करके ही लीजिएगा। सारे आलू को हम यहाँ पे ग्रेट कर लिए। सारे आलू कहाँ, दो ही आलू तो थे फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिए। अब इतना धोइए इनको कि बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। तो इनको धो लेते हैं, चार से पांच पानी धो लिए हैं। पानी देख रहे हैं कितना साफ पानी है एकदम। तो इनको जब तक पानी में रहने दे दें तब तक इनका यूज नहीं है, उतना देर हम पानी में इनको रहने दे रहे हैं। आगे हम काम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लिए एक कप सूजी। जी हाँ, आलू और सूजी से ही नाश्ता बनाएंगे, खाली आलू से तो बनाएंगे नहीं। तो ध्यान रखें, ये बारीक वाला हो या मोटा वाला हो, इनको थोड़ा सा मिक्सी में चलाना होगा पल्स मोड पर, ताकि हमारा रेसिपी जो है नाश्ता बहुत अच्छा बने। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, पूरा फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, यही रेसिपी अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं आप, तो फेसबुक पेज को लाइक करें, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ सूजी को ले लेते हैं। सूजी को हम ले लेंगे बारीकी, एक कप। देखिए कितना, मतलब बारीक वाला सूजी है, फिर भी हम इनको ले रहे हैं। और अब हम पल्स मोड पर इनको पीसेंगे। सूजी को हम यहाँ पे पीस लिए हैं, पल्स मोड पर पीसिएगा, नहीं तो हो सकता है इनका ब्लेड टूट सकते हैं। तो देखिए, सूजी है भाई अपना, मतलब कैसे फिकर छोड़ देंगे, थोड़ी दरदरी ही रहेंगे लेकिन बारीक एकदम हो जाएंगे, देख रहे हैं। तो हम इनको पीस लिए हैं। अब आगे का देख लेते हैं इनको क्या करना है। ले लिए हैं पैन, पैन में हम लेंगे करीब 2 से 3 चम्मच तेल। तो फिर जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते होंगे वो तेल ले लीजिएगा। यहाँ लगभग 2 चम्मच के करीब हम तेल लिए, तेल को हम गर्म होने देते हैं। इसी में लेंगे हम 1 चम्मच राई। राई हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि राई से हमारा रेसिपी में 4 चांद लग जाता है, काफी सौंधी सौंधी लगते हैं। हम चोखा भी घर में बनाते हैं ना, तो राई से ही बनाते हैं। यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच लेंगे साबुत जीरा, और इसी में लेंगे हम 1 चम्मच तिल, सफेद वाला तिल, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, हमारे घर में सबको पसंद है इसीलिए, क्या कि इनसे बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना, तो तिल 1 चम्मच ले लिए। अब हम इसी में लेंगे 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ, साथ में सबको चटकने देते हैं। अब सब थोड़ी थोड़ी चटकने लगे हैं, राई को अच्छे से चटकने दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको हम चला देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जले ना एक जगह। इसी में लेंगे हम 2 कप पानी, 1 कप और लेंगे, ध्यान रहे 2 कप पानी। अब यहाँ पे 2 कप पानी लिए हैं, पानी तो अपनी जगह पे है, उनमें अच्छे से उबाल आएंगे तब सामग्री लेंगे। और इस गर्मी में आपको घर के ही खाना खाना है, बार बार बोल रहे हैं बाहर से मत लाइए फ्रेंड्स, घर में ही बना करके खाइए, इसीलिए आप लोगों के लिए एक से एक रेसिपी ला करके देते हैं। तो घर का ही खाना खाइए और बच्चे को भी खिलाइए। देखिए यहाँ पे तिल भी हमारा एकदम सही से, मतलब जला नहीं है। और इसी में हम कुछ बेसिक मसाला लेंगे, ज्यादा मसाला कुछ भी नहीं लेने वाले आ जाए। अब चाट मसाला में सारे मसाला होते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर,
और इसी में लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, नमक नहीं लिए थे, आप लोग याद भी नहीं दिलाते हैं, और इनको हम अच्छे से उबाल आने देते हैं। इनमें अच्छे से उबाल आने लगे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे हम एक बड़ा चम्मच हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया से किसी भी तरह का नाश्ता बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी जगह पे हम ले लेंगे ये आलू, एकदम अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे इनका और आलू को ले लेंगे इनमें, आलू नहीं आलू का लच्छे ले लेंगे इनमें, सारे आलू के लच्छे ले लेंगे हम। आलू के लच्छे को हम चला लेंगे, एक मिनट आलू के लच्छे को हम पकाएंगे पानी में, उसके बाद हम बताएंगे सूजी को क्या करना है। आलू को लच्छे के पकते हुए एक मिनट हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, गैस को यहाँ पे एकदम स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें सूजी लेंगे। सूजी कैसे लेना है, एक साथ लेंगी तो एकदम लीजिएगा आप लोग गांठ बन जाएंगे पूरा, तो बस थोड़ा थोड़ा लेते जाना है इस हाथ से और इस तरह से चलाते जाना। एक बात और ध्यान सुनिएगा, अगर नए बिगिनर है तो गैस ऑफ कर ले, पहले मिला ले फिर पकाइएगा इनको, एकदम दबा दबा करके यहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लेना है, देखिए एकदम बारीकी से लेना है आपको। बाकी के जो बचे थोड़ा सा इनको भी हम ले लेते हैं। पूरा अच्छे से दिखा दिए और बता भी दिए हम आपको कि आप गैस को ऑफ कर लीजिएगा, नए बिगिनर है तो। हम लोग का तो आदत हो गया है बनाते बनाते, इस तरह से स्पैचुला से छुड़ाएंगे और अच्छे से एकदम डो ना बन जाए, एकदम आटा का डो तब तक पकाना है एकदम इनको। तो देखिए एकदम आटा के डो जैसे लगाते हैं ना, उस तरह से ये डो हो गए हैं। बस कुछ मिनट इनको और हम पकाएंगे तो आपको डो हम दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया हमारा डो तैयार हो गया है। देख रहे हैं एकदम पैन को छोड़ दिए हैं ये, देखिए यहाँ पे डो हमारा अच्छे से सूजी का डो तैयार हो गया, आलू सूजी का। तो हम क्या करेंगे ना, इनको इस तरह से स्पैचुला से साफ करेंगे और इसमें ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑफ, और ऑफ करने के बाद इनको अपने ही भाप में पकने के लिए छोड़ देते हैं करीब 1 से 2 मिनट और ठंडा भी हो जाएंगे। तो अपने ही भाप में ये पक भी गए हैं और ठंडा भी हो गए हैं, देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से ये छूने लायक हो गए हैं, तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये डो बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे हल्का गुनगुना में ही इन्हें डो तैयार करें, नहीं तो ये बिखरने लगेंगे। और हाँ अगर आपसे चिपकने लगे ये हाथ में, हमसे तो नहीं चिपक रहा है आप देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी तेल हाथ पे ले इस तरह से, और लेकर के इनको अच्छे से मसल मसल के चिकना डो बना ले, एकदम एकदम आटा के जैसा डो बनाना है आप। देखिए बिल्कुल आटा का डो जैसे होते हैं ना, उसी तरह से ये एकदम तैयार हो गए, देख रहे हैं कितना बढ़िया से। तो अब क्या करेंगे, ये नए बिगिनर के लिए हम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही 2 से 4 बूंद तेल हाथ पे लगाएंगे इस तरह से, और चाहे तो आप चम्मच से भी लेकर के नींबू का आकार का बॉल बना सकते हैं। ये देखिए आज हमारे बच्चों का फरमाइश है कि मम्मी नींबू का आकार का गोल गोल वाला नाश्ता तैयार करो, तो देखिए हम इसी तरह से नाश्ता को, कितना बढ़िया से चिकना बन रहे हैं ना, इसी तरह से सारे नाश्ता को हम बना लेंगे जी। और आलू का सारा बॉल्स बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम बन रहा है, जंप भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक टिप्स और बताएंगे हम आप सभी को कि यदि आपके घर में 3-4 बच्चे हैं या मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो आप क्या करें, सुबह में सारा तैयारी करके रख ले, एयर टाइट डब्बा में बंद करके फ्रिज में रख ले, और जब मेहमान आए या तो बच्चे आए तो उनको फ्राई करके दे। तो आप लोग डोंट माइंड, बहुत कमेंट करते हैं कि मैम से आप बोलती हैं 3 मिनट के वीडियो और ये 15 मिनट के 20 मिनट के हो जाता है, तो ये वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं तब हो जाता है। अगर ये तैयारी करके रखेंगी तो मात्र 3 से 4 मिनट में आपका रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। हम तो आपको दिखाते हैं तब ना लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इनके साथ क्या करना है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तेल हम पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिए, तेल यहाँ पे हमें धुआंधार गर्म होना चाहिए। यदि ठंडा तेल में आप डाल देते हैं नाश्ता को तो सारे बिखर जाएंगे और तेल पी लेंगे। तो हम एक बॉल को डाल के तेल में देख लेते हैं, तो देखिए तेल कितना गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है तेल यहाँ पे। एक ही नाश्ता डाल करके आप देखिएगा, इनको थोड़ा टर्न करके देख लीजिए, देखिए ये एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे ना, बारी बारी से बॉल उठाएंगे और डालते जाएंगे, जितना आ जाएंगे तेल में उतना बॉल को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जितना तेल में आ गए हैं उतना हम ले लिए और इस तरह से हम हिलाएंगे इनको, बस थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ दे, छेड़े ना। यहाँ पे चलिए अब इनको थोड़ा टर्न करके दिखाते हैं। तो देखिए गरम तेल में बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को इसी बात पर लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से फ्राई हो गए हैं एकदम बढ़िया से। बस तेल का ध्यान रखिएगा कि कितना गर्म होना चाहिए, उस हिसाब से आपका नाश्ता बहुत टेस्टी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। अब हम इनको तेल से बाहर निकाल रहे हैं, सभी को हम बाहर निकाल लिए हैं। अब बाकी जो बचे हैं उनको भी थोड़ा सा तेल को यहाँ गर्म होने दीजिएगा, ताकि जो रेसिपी निकाले है ना नाश्ता,
उनसे थोड़ा ठंडा हो गए तो थोड़ा सा और गर्म होने दीजिए इनको। कढ़ी चलिए तो 1 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इनको भी, बाकी जो बचे हैं सबको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा बच भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सारा तेल को कढ़ाई में ही रहने दीजिएगा। अब बोलिएगा यही कैसे होगा, तो ये देखिए हम झंझरे से तेल को हम कढ़ाई में ही सब सिंगार लिए हैं, तो तेल बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल ऑयली नहीं। यहाँ पे सारे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, और काफी टेस्टी भी बने हैं। और हम एक नाश्ता को अभी गरम गरम है, थोड़ा ठंडा होंगे तो और क्रिस्पी बनेंगे, देखिए कितना बढ़िया से बने, अंदर तक एकदम पके हैं, देख रहे हैं, वाह क्या बात, एकदम अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। थोड़ी सी चख करके दिखाते हैं, बस थोड़ा सा, जरा सा, बाहर से कुछ लाने का जरूरत ही नहीं है, समोसा कचौड़ी कुछ भी नहीं लाने का जरूरत है, इतना टेस्टी है, इनमें सारे का फ्लेवर एक ही में मिल जाएगा आपको। चलिए इनको सर्व करते हैं। तो बस एक छोटे से प्लेट में हम लोग चारों लोग खा लेंगे, तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा नाश्ता यहाँ बनकर तैयार है, वाह। अच्छा यहाँ पे हम अभी चटनी नहीं बनाए, तो बच्चे को तो पसंद होते हैं ज़्यादातर केचप, और बड़े को पसंद होते हैं ज़्यादातर हरी मिर्च, तो आप चाहे तो भूंज करके ले लें, ये तो यूं ही खा लें। देखिए हम देते जा रहे हैं, हमारे बच्चे पीछे से खड़े हैं, देते जा रहे हैं, तो देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, फ्रेश, देख रहे हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।